दरबार साहिब के ऊपर साल 1984 में जून महीने के अंदर हमला कर दिया जाता है, टैंक चढ़ा दिए जाते हैं। सरकार कहती है कि यहाँ पर आतंकवादी बैठे हुए हैं, लेकिन वही यदि हम बॉम्बे की तरफ जाते हैं तो ताज होटल के अंदर सच में आतंकवादी घुसे हुए थे, जहां पर सरकार ने कई घंटों का ऑपरेशन करके सभी आतंकवादियों को भी पकड़ लिया और लोगों की भी जान बचा ली। अब इन दोनों के अंदर क्या समानता है, आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि आखिर हमने इस बात को आपके सामने क्यों रखा है। क्या सिखों के साथ सरकार का नस्ली भेदभाव था? क्या इस देश के अंदर सिखों के साथ सरकार कभी भी सही से पेश नहीं आती? क्या सिख जब भी अपने हक मांगते हैं तो उनको टेररिस्ट या आतंकवादी कर उनको झुकाया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है? सिखों की आवाज को इस देश के अंदर क्यों दबाया जाता है? साल 1947 में भारत का जब बंटवारा हुआ, एक बड़े हिंदुस्तान एक बड़े देश का बंटवारा, तो उस समय दो देश निकले, भारत और पाकिस्तान। उस समय भी पंजाब को सबसे ज्यादा जख्म दिए गए। पंजाब को पहले दो हिस्सों में बांटा गया, फिर साल 1955 के बाद पंजाब स्टेट को तीन हिस्सों के अंदर बांट दिया जाता है। अब यहीं पर काम नहीं रुकता, इसके बाद पंजाबी भाषा के लिए भी केवल पंजाबी ही सिख ही सामने आते हैं। कोई भी पंजाब का हिंदू पंजाब के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आगे नहीं आता है। अगली बात करते हैं संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला जी ने जब यही मांगे आनंदपुर साहिब का मता बनाकर लोगों के सामने रखी, सरकार से मांगे की, तो सरकार ने उन्हें टेररिस्ट घोषित कर दिया। अब इन्हीं को दरबार साहिब से बाहर निकालने के लिए जिस प्रकार से सरकार ने वहां पर ऑपरेशन किया, टैंक चढ़ा दिए, देश की आर्मी वहां पर चढ़ा दी, हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश की आर्मी होती है वह बाहरी खतरों से देश की सुरक्षा करने के लिए होती है, ना कि देश के अंदर हमले करके देश को या किसी भी धर्म या किसी जात को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से श्री दरबार साहिब हरिमंदर साहिब के अंदर टैंक चढ़ाए गए, गोलियां चलाई गई, औरतों के साथ उनकी इज्जत लूटी गई, फौजियों ने या पुलिस ने जिस प्रकार से दरबार साहिब के अंदर बेअदबी की, जिस प्रकार से सिख लाइब्रेरी को जला दिया गया, आने वाली पुस्तों तक सिखों का इतिहास ना पहुंच पाए, इस तरह की जो घटनाएं थी वो सारी हमें साल 1984 जून 1984 के अंदर देखने को मिलती है। हम एक सवाल पैदा करते हैं इस सरकार के ऊपर, एक सवालिया निशान है, पॉलिटिकल करियर के ऊपर भी एक काला धब्बा है कि अमिताभ बच्चन ने एक नारा लगाया था, खून का बदला खून। इंदिरा गांधी की शोक सभा के अंदर बहुत सारे कांग्रेसी लीडर इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे सिख सरदार भी होते हैं। रैली के अंदर यह नारे लगाए जा रहे थे कि इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे। लेकिन जैसे ही यहां पर अमिताभ बच्चन जी पहुंचते हैं और अमिताभ बच्चन जी वहां पर जाकर जब एक नारा लगा देते हैं, खून का बदला खून नारा हिंसक रूप ले लेता है। और बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू और आर्टिकल बुक्स आपको इंटरनेट के ऊपर भी मिल जाएंगे जिसके अंदर अमिताभ बच्चन जी के बारे में यह चीजें लिखी गई। सिख लीडर हैं वो इनकी बहुत वाहवाही करते हैं, तरफ हमारे बंदी सिखों की रिहाई नहीं हो रही, दूसरी तरफ राम रहीम जैसे व्यक्ति जेलों से हर साल बाहर आ जाते हैं। सेक्शन के अंदर जरूर बताना, यदि इसी प्रकार का कोई और वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।